हेलो दोस्तों, एडिटिव ओपनिंग शेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर 7 अप्रैल 2022 को देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, इक्वाडोर, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, 43वां, 44वां। तो ये कौन सा संस्करण मनाया, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये हो जाएगा 42वां संस्थापना दिवस। इसका कब मनाते हैं? तो 6 अप्रैल, कब स्थापना हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज, जो कि 18 वर्ष के, किस देश से संबंधित थे? स्पेन से, अमेरिका से, अर्जेंटीना से या ब्राज़ील थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्पेन से। एक और बात है, इसमें से एक और नया क्वेश्चन बनता है, अब तक टेनिस टूर्नामेंट में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो कार्लोस अल्काराज, ठीक। आइए नेक्स्ट। शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में संयुक्त राष्ट्र ने किसे नियुक्त किया है? अरुण सिंह, अनुराभा घोष, स्वाति उड़े उइके, पीयूष शर्मा। तो ये हो जाएंगे अनुराभा घोष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट। गढ़ गौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, नागालैंड। राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए दिल्ली बोर्ड ऑफिस स्कूल एजुकेशन यानी DBSE ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? एथे शिक्षण संस्थान जर्मनी, एथे शिक्षण संस्थान अमेरिका, एथे शिक्षण संस्थान ब्राज़ील, एथे शिक्षण संस्थान USA। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, एथे शिक्षण संस्थान जर्मनी के साथ। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटाने के लिए प्राकृतिक और हरित नामक ऐप नामक पहल किसने शुरू किया? ये ऐप नहीं होगा, ये दोस्तों मिस्टेक हो गया है। प्राकृतिक और हरित नामक पहल किसने शुरू किया है? तो हो जाएंगे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी या भूपेंद्र यादव। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। ये केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन जीवों की खरीद बढ़ रही है? किस देश में? म्यांमार, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना। तो म्यांमार में। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? विवेक अग्निहोत्री, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। विवेक अग्निहोत्री को। भारत के किस राज्य में ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? आरिफा जौहरी, अरुणिता घोष, रिचर्ड, अनामिका सिंह। आरिफा जौहर को मिला है चमेली देवी पुरस्कार 2021। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या नरेंद्र मोदी। इन्होंने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव, सतीश द्विवेदी, सत्यपाल रे, अक्षय घोष। तो अश्विनी श्रीवास्तव ने। हुरून रिचेस्ट मैन वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 के शीर्ष पे कौन रहा? चीन, अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन
तो चीन रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में कितने धनराशि का योगदान दिया है भारत ने? तो 1.5 लाख डॉलर, $4.5 लाख, $2.5 लाख डॉलर या $3.5 लाख डॉलर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, $1.5 लाख डॉलर ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।